दैनिक भास्कर .com presents द विजनरी। चॉकलेट दुनिया में सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। चॉकलेट का स्वाद सभी को लुभाता है। चॉकलेट का उद्योग कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ग्लोबल फिनोमिना बनता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने राजा फर्डिनेंड से चॉकलेटों को बनाने वाले कोको के बीज उपहार स्वरूप पाए और चॉकलेट की खोज की। मध्य प्रदेश में इंदौर स्थित आशा कन्फेक्शनरी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कन्फेक्शनरी कंपनी, यहाँ विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता के कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है और देश विदेश में विक्रय किया जाता है। मैंने 9 साल की उम्र से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और हम जनता क्वार्टर नंदा नगर इंदौर एमपी से रिलेटेड हैं। हम लोगों ने सबसे पहले घर के अंदर चॉकलेट बनाना चालू किया। हम मावा, शुगर और इन सब चीज़ों को लेकर के चॉकलेट्स बनाते थे और घर में उस समय पे 4 ही वर्कर होते थे, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर और मेरी सिस्टर। हमने 10x14 के रूम से इसको स्टार्ट किया, जनता क्वार्टर के वहीं रहते थे, वहीं हमने काम स्टार्ट किया और मेरी मदर ने शुरू से ही मुझे पूरा हेल्प किया है। और वहीं से जब मेरी 9 साल की एज थी तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने इसको स्टार्ट लिया। मेरा इतना सा मानना है कि जब भी हमारे बीच में कोई भी संवाद हो और मैंने कोई एक जिज्ञासा जाहिर की कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इन्होंने सिर्फ यस कहा। मेरी मदर ने हमेशा कहा कि तुम करो, मैं साथ में खड़ी हूँ ना, करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। और जब नेचुरल वे में हमने उसको किया तो आज ये सक्सेसमेंट खड़ी है आपके सामने। हमारा ऐसा मानना, आज हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ जो दिखती है, जो है आज हम लोग, सबसे बड़ी बात कि हम 1000 लगभग एक साथ काम करते हैं, 1000 हमारे परिवार के मेंबर हैं और हमारा एक ही ड्रीम है। एसआर ग्रुप, आशा कन्फेक्शनरी का एक ही विज़न है कि हम सारे लोग मिलकर के एक कैंपस तैयार करें जिसमें कम से कम 100 से 125 एकड़ लैंड हो। उस लैंड के ऊपर हम सारे वर्करों के लिए जो सारी फैसिलिटीज़ आज हम अपनी फैमिली के बच्चों के लिए चाहते हैं, वही हम अपने परिवार, बड़े परिवार, फैक्ट्री के परिवार के लिए वही फैसिलिटी मुहैया कराना चाहते हैं। हर आदमी को घर, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, गाड़ी, हर चीज़ की सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। ये हमारा फ्यूचर विजन है। वर्ष 2015 में आशा कन्फेक्शनरी को MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा सर्वाधिक सेवा नियोजन का पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2017 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। हमें नेशनल अवार्ड मिला जो कि MSME भारत सरकार के द्वारा, उद्योगपति, उद्योग मंत्री हमारे कलराज मिश्र हैं। हमें द्वितीय पुरस्कार मिला MSME 2015 का, जो कि न्यू दिल्ली में मेरी माताजी को सम्मानित किया, उसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, हमारी फैक्ट्री में एक मैजिकल चीज़ हुई है जो हमने काउंट करी। जब हम एम्प्लॉयज के बर्थडे को मनाते हैं, रोज़ हम लोग एक गेट के ऊपर जितने भी वर्कर्स का जन्मदिन होता है गेट पे लगाते हैं। 2018 में जब हमने ये संख्या चेक की गई तो वो मैजिकल थी, आपको मैं बताना चाहूँगा। 223 लोगों का जन्मदिन एक ही दिन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हमने प्रयास किया है कि इसको ग्रीनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कराएं, क्योंकि एक साथ 223 लोगों का बर्थडे होना, अपने आप में जन्मदिन होना बहुत बड़ा एक इत्तेफाक है, जो कि एक हमें समझ में नहीं आया। और हमने इसमें मीडिया में भी इस चीज़ को लाया कि 223 लोगों का जन्मदिन हमने एक साथ सेलिब्रेट किया। वर्ष 1984 में श्रीमती आशा दरियानी एवं श्री सुंदरदास दरियानी जी ने इस उद्योग की नींव रखी, जो कि वर्ष 2012 में प्रोन्नति कर नए ब्रांड SR25 के नाम से आज प्रचलित है। तो 2013 में बेसिकली हमने SR25 ब्रांड नेम की शुरुआत करी और मैं आपको थोड़ा सा SR25 के बारे में ब्रीफ करूं कि SR25 ऐसा नाम क्यों रखा गया है। SR25 बहुत तरह के नाम जो रखे जा सकते थे, SR25 के पीछे मीनिंग ये कि ये हमारे बच्चों के नाम है, S से संस्कार, R से रुद्राक्ष।
बेसिकली संस्कार को हम लोग जो है घर में S25 बोला करते थे, और जब हमें 2012-13 में अपना ब्रांड नेम रखने की बात हुई तो हमारे दिमाग में आया कि कोई ऐसा वर्ड डाला जाए जो नाम के साथ फिगर्स में आ जाए, इसलिए हमने SR25 संस्कार रुद्राक्ष 25, इसलिए इसका SR25 का जो ब्रांड नेम का हमने निर्माण किया 2012-13 में वो इस तरीके से सोच के रखा गया। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट के बारे में आप बात करोगे हम सबसे अलग क्यों, उसके पीछे हमारा सिर्फ एक ही लॉजिक है, हम मार्केट में जो भी प्रोडक्ट चलते हैं उनकी कॉपी नहीं करना चाहते न करते हैं, हमारे अपने थॉट होते हैं। हमने इंडियन टेस्ट और इंडियन कल्चर को समझा, हम भारतीय हैं इसलिए हमने भारत का पैसा भारत में रोटेट करे, इसको ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग के स्टैंडर्ड पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया। दूसरे तरीके से हम नेचर चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते हैं, जैसे आज की तारीख में हम नारियल पानी कैंडी, नारियल पानी के नाम से कैंडी बनाते हैं, उसमें डेसिकेटेड कोकोनट। हमारा ऐसा पर्सनल सर्वे रहा है कि खोपरा जो है भारत के अगर 100 लोगों से बात की जाए तो 95-96% लोग ये बोलते हैं कोकोनट दे लाइक। हमने उसको थॉट में रखते हुए, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है, हमने उसको ध्यान में रखते कि उसका कंजप्शन जो है एक लिमिटेशन में हो रहा था, हमने उसको कैंडी में कन्वर्ट किया, और आज की तारीख में हमने कन्वर्ट किया और आज हमें 5-6 टन पर डे लगता है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था कैंडी 2012-13 में तब 80 रुपये किलो का प्राइस था, आज बेसिकली वो 210 रुपये के आसपास पहुंच गया बिकॉज ऑफ अवर हाई कंजप्शन। SR25 सावेर रोड पर स्थित है, 2.16 लाख वर्ग फुट में फैला है, यहाँ पर लगभग 850 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह संस्थान उन्नत एवं आधुनिक मशीनों की पूरी श्रृंखला से सज्जित है। यह की फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी टेस्टिंग एवं रिसर्च सेंटर के साथ विभिन्न प्रकार की कैंडी, शुगर बॉइल्ड और जेली कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है। एक्चुअल कन्फेक्शनरी से रिलेटेड हम बहुत सारी एक बहुत बड़ी रेंज बनाते हैं, हम लोग केक बनाते हैं जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है आज की तारीख में, 5 रुपीज़ MRP पे 20 ग्राम वेट, इस तरीके से नारियल पानी बनाते हैं, वैल्यू ऑफ मनी हम हर प्रोडक्ट को इसलिए बोलते हैं कि 1 रुपये में 5 ग्राम वेट कैंडी का, जो कि मार्केट में कैंडी बिकती है 2.5 से 2.8 ग्राम के आसपास बिकती है, हम उस जगह पे 5 ग्राम देते हैं। इसी तरीके से हम बटर टॉफ़ी बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, जेली का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है हमारा, हम लोग वेफर बिस्किट्स बनाते हैं, इसके अलावा बिस्किट बनाते हैं, हमारा दूसरा बटर टॉफ़ी से रिलेटेड काम है, हम लोग टैमरिंड इमली से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड को बहुत ध्यान में रखते हैं इसलिए हम टैमरिंड का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके हम बहुत बड़ी रेंज बना के 70 के करीब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक ही कैंपस में बनते हैं, और ये शायद अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है कि एक फैक्ट्री में 70 प्रोडक्ट बनते हैं, 70 तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है, शायद इंडिया में ये हमारा पर्सनल मानना है कि एक किसी रूप में नहीं होता। कई ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क से जुड़ा SR25 कम समय में सामान का आदान प्रदान देश के दूसरे कोने में भी करने में सक्षम है। उद्योग में स्किल प्रोफेशनल एवं एक्सपीरियंस कर्मचारियों की टीम का अनोखा संगम है। सर, हम लोगों का एक डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में जो PPC होता है, प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, प्लानिंग करते हैं और प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है और कंट्रोल प्रोडक्ट जो कंट्रोल करते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। एच पर क्वालिटी नॉर्म्स के अंतर्गत जो हम इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं उसके अंतर्गत सारे प्रोडक्ट हैं ना, रॉ मटेरियल से लेके और फिनिश प्रोडक्ट्स सब जो हमारे पैरामीटर्स हैं IS स्टैंडर्ड में दिए हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हम जो है ना हर प्रोडक्ट की जो है ना pH चेक करते हैं, हर प्रोडक्ट की एसिडिटी चेक करते हैं, हर प्रोडक्ट की जो है ना जो प्रोटीन्स चेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेक करते हैं और जो और पैरामीटर्स हैं जितने भी IS स्टैंडर्ड फॉलो कराता है हम सारे उसको पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। और फिर QC के साथ में हमारे यहाँ QA डिपार्टमेंट रहता है, उससे हम कोऑर्डिनेट करके पूरी फ्लोर पे भी पूरे सब जगह जो है ना उसको जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हैं। SR25 की जो क्वालिटी है सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल है ना हाई ग्रेड का और अच्छी क्वालिटी का जो है ना उसको यूज करते हैं और अपना जो उसके पैरामीटर्स हैं ना उसको स्ट्रिक्टली जो है ना फॉलो करते हैं जो IS स्टैंडर्ड के अनुसार है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है और अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार फॉलो करते हैं।
श्रीमती आशा दरियानी जी कंपनी की फाउंडर हैं एवं उनके पुत्र श्री दीपक दरियानी जी प्रोपराइटर हैं। कंपनी के विकास में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई जो आज भी जारी है। इस सफलता के पीछे श्री दीपक दरियानी जी एवं टीम की मेहनत एवं लगन है। टीम वर्क की अगर आप बात करेंगे, टीम वर्क का मतलब है चेन, एक दूसरे को कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना। कोई भी टीम, कोई भी अगर ग्रुप सक्सेस है तो बिना टीम के नहीं हो सकता। जो सफाई करने वाले कर्मचारी की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता उसकी भी है जो आपके मैनेजर लेवल पे काम करता है। अगर इस नज़रिए से आप एक ही धागे में सारे मोतियों को डाल करके देखते हो तो आपकी माला मजबूत रहेगी और कभी नहीं टूटेगी। टीम वर्क का मीनिंग है एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए, एक दूसरे के विचारों को महत्व देते हुए आगे बढ़ना। मेरा टीम वर्क के लिए यही उद्देश्य है और यही मैं कामना करता हूँ 100%। बिना टीम वर्क के आप कोई भी चीज़, एक बिल्डिंग भी बनानी हो, आप सिर्फ सरिये से बिल्डिंग बनाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बनेगी। तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। जितना लाइट ज़रूरी है उतना पानी ज़रूरी है, उतना वर्कर का ज़रूरी है और हर वर्कर की ज़रूरत है। एक वर्कर अगर एक चेन की कड़ी टूटती, एक वर्कर मिस होता तो आप कहीं ना कहीं अपनी टीम में कमजोरी महसूस करते हैं। इसलिए टीम वर्क मस्ट है। बिना टीम वर्क के दुनिया कोई भी शख्स, कोई भी ग्रुप आगे नहीं बढ़ सकता। यह कंपनी के कर्मचारियों के प्रति बेहद उदार हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कर्मचारियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए कई बेहद फायदेमंद रणनीतियां अपनाई हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नियमानुसार अंशदान करते हैं। SR25 में समस्त कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए पार्लर की व्यवस्था की गई है ताकि वे साफ एवं स्वच्छ रहें, जिससे उद्योग के उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साथ ही साथ डेंटल डॉक्टर एवं फिजिशियन डॉक्टर को भी नियोजित कर रखा है, जो श्रमिकों एवं कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं नियमित उपचार करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसमें मेरी थोड़ी सी पर्सनल सोच है कि मैंने इसको हाइजीन को मार्क करते हुए किया, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हाइजीन है तो आपका और हमारा बच्चा खा सकता है। और हमने कमियों को एहसास किया। आज अगर हम इतने बड़े ग्रुप को लेकर के चल रहे हैं साथ में, उन कमियों को एहसास किया और हमारा उसमें थॉट रहा कि एक काम से दो लोगों को फायदा हो रहा है, एक वर्कर हाइजीन हो रहा है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल हाइजीन हो रहा। और इंडिया में इस टाइप की फैसिलिटीज़ मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, मैंने मगर बाहर ये चीज़ें देखी जो यूरोप्स में फैक्ट्री हैं, वो लोग कंपलसरी नॉर्म्स हैं जो इंडिया में नहीं है। और आगे चल के शायद इंडिया गवर्नमेंट जिस बेसिस पे काम कर रही है FSSAI के अंतर्गत, मुझे लगता है कि अब हर फैक्ट्री में कंपलसरी ये चीज़ें हो जाएंगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाई क्वालिटी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स और क्वालिटी कंट्रोलर्स की एक पूरी टीम दिन रात कार्य करती है, जो केमिकल, फूड इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स की सही मात्रा निर्धारित कर प्रोडक्ट्स की शेल लाइफ और क्वालिटी को बढ़ाती है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी अब धीरे धीरे हम लोगों ने शुरुआत की, लेकिन अब हम इंटरनेशनली बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे विंग्स फैला रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जैसे केक्स चालू हैं, बिस्किट्स चालू हैं, जो नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि वो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। और आज आप मानेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से बाहर इंडिया के नाम से पॉपुलर हो रहे हैं, SR25 के नाम से जो बाहर पॉपुलर हो रहे हैं कि हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप इतनी कम कीमत में इतना अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्लस उसकी हाइजीनिक कंडीशंस, और हम पूरी टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स के साथ उस प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ ओके करके हम मार्केट में भेज रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आशा कन्फेक्शनरी SR25 के लिए मैं सबसे बड़ा कर्मचारी हूँ, क्योंकि इसमें मेरी अहम भूमिका है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना। और मैं ये भी मानता हूँ कि आगे चल के हो सकता है इस सीट पे जो भी मेंबर हमारे परिवार के, जो 5000 लोग मैंने कहा, उनमें से हो सकता है वो नया बंदा कौन है मुझे नहीं मालूम है, हम उसकी सर्च कर रहे हैं, वो हो सकता है किसी झाड़ू लगाने वाले वर्कर का बेटा हो जो इस सीट को आगे बढ़ाएगा। ये हमारे पर्सनल थॉट है, क्योंकि हम परिवारवाद में न पढ़ के हम लोग कर्मचारी या वर्कर्स के बीच में से ऐसा एक बंदा जिसमें टैलेंट है, परिवारवाद को ध्यान में रखते हैं, टैलेंट को कभी नहीं दबाएंगे और बीच में से एक टीम का वर्कर निकाल के लाएंगे जो इस ग्रुप को चलाए। क्योंकि आशा कन्फेक्शनरी, आशा मेरी मदर का नाम है, और हमारे थॉट ये हैं कि हमने 0 रुपए से काम स्टार्ट करके इतना बड़ा बनाया। हमारा एक ही थॉट है कि हमारी जो मदर है उनका नाम, आशा ग्रुप का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, उसके लिए हमको परिवारवाद को साइड करते हुए जो है फैमिली वार्ड में आना पड़ेगा और परिवार के किसी वर्कर को ये कमान देनी पड़ेगी। उसी तरीके से हम इसको पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकते हैं। 60 से अधिक प्रोडक्ट्स के साथ ISO, हलाल,
एवं क्वालिटी के लिए पुरस्कृत यह कंपनी अपने कस्टमर्स को ऐसे ही अपनी गुणवत्ता की मिठास से संतुष्ट करती रहे, ऐसी हम SR25 के भविष्य की मनोकामना करते हैं। इन्ने साबरे रोड पर आकर सभी वर्करों स्टाफ का सहयोग पाकर चॉकलेट कंपनी दही बनवाकर और चॉकलेट कंपनी लगा दे मेला, कृपा करी अपार तुमसे विनती बारंबार। जय मैया की, जय बालाजी और जय आशा गुरुप महाराज, तुमसे विनती बारंबार।